अम्बाला नगर निगम की कार्य प्रणाली से तंग आकर लगातार पास लगते गांव निगम के दायरे से बाहर आना चाहते हैं। अब तक 13 से ज्यादा गांव के ग्रामीण दोबारा पंचायती राज बहाल करने की मांग उठा चुके हैं, जिसके बाद अब ग्रामीणों की यह मांग जोर पकड़ने लगी है। आज फिर अम्बाला नगर निगम के दायरे में शामिल किए गए निजामपुर और बड़ी घेल गाँव के ग्रामीण अम्बाला की डीसी कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा और अपने गाँव में दोबारा से पंचायती राज बहाल करने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि निगम में शामिल हुए 2 साल होने के बावजूद उनके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। निगम अधिकारियों के पास चक्कर काटने के बावजूद समस्याओं का हल नहीं निकल रहा। हमारे पास टैक्स भरने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वह चाहते हैं कि गांव को नगर निगम के दायरे से बाहर कर दोबारा से पंचायती राज लागू किया जाए। मैं गाँव गेलखुर्द से एक्स सरपंच, मेरी मिसेस थी, और हमारे गांव का जो भी विकास कार्य था जब से निगम में आया है कोई कार्य नहीं होता, और ना ही चक्कर काटने पड़ते हैं, और जब वहां पे काम कराने के लिए क्या डोमिसाइल बनाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं पहले टैक्स की रसीद लाओ और फिर तुम्हारा डोमिसाइल बनेगा। तो अब वहाँ पर परेशानी आती है, और अगर गाँव में सरपंच होता, सरपंच होते गाँव के लोग सरपंच की स्टैंप लगवा के पटवारी के पास जाके डोमिसाइल तहसीलदार से बनवा लेते थे, लेकिन अब बड़ी कठिनाई आती है। दूसरा, इन्होंने हमारे ऊपर टैक्स थोप दिया। तीसरा, आज तक हमारे गांव में 1.5 पैसे भी गांव के अंदर नहीं लगाए किसी भी कार्य के अंदर, और जबकि हमारे गांव की जो पंचायती ज़मीन है उसकी बोली के पैसे, सारा पैसा कमेटी वाले ले जा रहे हैं, लेकिन सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। हमारे जो समुदाय के अंदर कम्युनिटी सेंटर गांवों में बने हुए हैं, और इवन के शमशान घाट जाके देखो आप, उसके अंदर ब्रह्म बुट्टी जी, कांग्रेस बुट्टी जी इतनी खड़ी है कि शमशान घाट में करने के लिए, किसी का संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं होती, और कोई किसी कमिश्नर का, जो निगम के कमिश्नर साहब हैं, ईओ है, कोई भी किसी का ध्यान नहीं है। गांव वालों को बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, और पानी का भी निकासी नहीं है। और जो हमारे गांव की ज़मीन है जी, पहले हमारे गांव से बाहर थे निगम से, तो हमारे को 22 लाख कलेक्ट्रेट था, उसके हमारे को 4 गुना दिए जाते थे, और लेकिन अब जो गांव निगम में आने के कारण हमारे को 2 गुने दिए जाते हैं, ताकि 44 लाख रुपये बनते हैं, लेकिन वो हमारी ज़मीन के हिसाब से हमारे को कम दिए जाते हैं। जबकि या तो हमारे गाँव को बाहर निकाला जाए ये गांव से, ताकि हमारे को 88 लाख रुपये मिलेंगे तो हम कोई कुछ कार्य भी कर सकते हैं, ये लेकिन ये 22 लाख के डबल है ना, इन्होंने वो किया है। समस्या ये है, पहले हमारा गांव 2 साल पहले गांव धामली गांव उसमें थे, अब ये कमेटी में डाल, नगर निगम में डाल दिया गया है, जिससे हमारे गांव का विकास रुक गया है। पहले हमारे को कोई भी काम कराने के सरपंच के पास जाके हम एक कदम अपना काम करा लेते थे, लेकिन अब इतनी दिक्कतें आ रही है, सरपंच के पास जाने की बजाय हमको निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं जी, और जो विकास जहाँ था वहीं का वहीं रुक गया जी। और दूसरा, हमारे पर टैक्स वगैरह के वो आ गए जी, लेटर वगैरह आ गए जी, अब गांव वाले इतने मजबूत तो हैं नहीं, पर टैक्स भी भरे जी। पहले ही बहुत समस्या है गांव के बीच में जी, या कुछ काम नहीं हो रहा गांव में। गांव में जो नाली टूटी पड़ी है, जो जो भी था वहीं का वहीं रह गया जी, वो जो सरपंच के टाइम हो गया उसके बाद सब कुछ बंद पड़ेगा।